वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे, तो देखिए कितने टेस्टी बने हैं। बहुत टेस्टी है, इन्हें बनाना बहुत आसान है, ये फटेंगे भी नहीं इस तरह से बनाएंगे अगर। तो हमने ये गोभी लिया है, इसके हम डंठल तोड़ के निकाल देंगे सारे। और ये जो गोभी का फूल है, इसी को हमें सिर्फ घिसना है पराठों के लिए, बाकी डंडे जो हैं इसके निकाल देंगे काट के। तो देखिए हम इसे काट देते हैं, और ये जो फूल है इसके हम बड़े बड़े दो टुकड़े कर लेंगे, ताकि जो घिसेंगे इसको हम कद्दूकस पर घिसेंगे तो आराम रहेगा बड़े बड़े टुकड़ों से, छोटे कर देंगे तो घिसने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए हमने बड़े बड़े दो पीसेस कर लिए हैं इसके, और अब हम इनको घिस लेंगे, इससे घिसने में पकड़ने में आराम रहेगा। अब इसको हम घिस लेते हैं। तो देखिए इसे हमने घिस लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक घिसा है, देखिए कद्दूकस करा है इसको हमने। और यहाँ देखिए हमने यहाँ प्याज को बारीक घिस लिया है, दो प्याज ने मैंने बारीक बारीक बिल्कुल घिस लिया है कद्दूकस में। और इसे मैंने बारीक बारीक यहाँ 5-6 लहसुन की कलियाँ काट ली हैं, यहाँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट लिया है, यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें काट ली हैं। तो ये सारा सामान हमने बारीक बारीक काट के रख लिया है, और यहाँ हमने फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्राई पैन गरम हो रहा है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से गरम हो जाने देंगे। अब देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे प्याज जो हमने बिल्कुल कद्दूकस कर ली थी बारीक बारीक। और अब हम डाल देंगे लहसुन की बारीक कटी कलियाँ, और अदरक डाल देंगे अब इधर हम। बस ये ध्यान रखना है आपको, सारी चीज़ें बारीक कटी होना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को 2 मिनट तक थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब यहाँ हमारी मिर्चें डाल देंगे जो हमने बारीक काट ली थी। अब देखिए ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब यहाँ हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच ज़ीरा, और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक घिसी हुई गोभी। अब इसको चला देंगे ताकि हल्दी इसमें अंदर तक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसको भी मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। और अब हम यहाँ फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे,
ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा जब तक हम आटा लगा लेंगे। हमने आटा ले लिया है 3 कप और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है इसमें, और करीब यहाँ पे 3-4 चम्मच हमने तेल भी डाल दिया है इसमें, रिफाइंड ऑयल डाला है हमने। और अब हम इसमें इस अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। और जैसे हम लोग नॉर्मली पराठे के लिए डो तैयार करते हैं वैसा हम इसके लिए तैयार करेंगे। तो देखिए हमने आटा लगा लिया है, अब हम बनाएंगे पराठे। तो हमने थोड़ा सूखा आटा ले लिया है। अब देखिए थोड़ा सा हम आटा लेंगे, तो देखिए गोभी हमारा ठंडा हो गया है। जब तक अब हम पराठे के लिए लोइयां तैयार करेंगे। तो हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर लिया इस तरह से मैंने हाथ की मदद से। और अब हम इसमें गोभी रखेंगे। तो ये देखिए 1 चम्मच भर के मैंने इसमें गोभी रखा है। इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए बंद हो गया इसका मुंह। अब इसको रोल कर देंगे। अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बंद हो गया है। अब थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको हम बेल लेंगे। इस तरह से पतले पराठे और एकदम क्रिस्पी कुरकुरे पराठे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से हम पराठों को बेल लेंगे हल्के हाथ से। और थोड़ा सूखा आटा लगा लगा के इसको हम बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बिलके तैयार हो गया है। और एक तरफ हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक साइड तवा गर्म हो रहा है, अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। तो देखिए ये, और अब इसको हम 1 मिनट के बाद पलट देंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है, अब इसको हम पलट देंगे। और अब हम इसमें तेल लगाएंगे इस साइड से। तेल लगा दिया मैंने इसमें एक साइड। अब दूसरी साइड भी हम तेल लगा देंगे। तो ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बना है, इसे बनाना बहुत आसान है। और ये पराठे बिल्कुल फटते नहीं है बनाते पे जैसे मैंने बनाया है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।